सभी दर्शकों का कैपिटल न्यूज में आप देख रहे हैं जोहार पलामू में आपका होस्ट अमित कुमार। लोकप्रिय जननायक राष्ट्रीय विभूति पूर्व राज्यपाल डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह के पलामू आगमन पर जिलेवासियों द्वारा टाउन हॉल में भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह, इंदर सिंह नामधारी सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। 20 वर्ष के बाद पलामू आगमन पर पलामूवासी जहां हर्षित थे, वहीं पूर्व गवर्नर के विराट व्यक्तित्व के बावजूद सरलता, मृदुभाषी, स्नेहित व्यवहार की प्रशंसा करते थक नहीं रहे थे। 7 राज्यों के गवर्नर सहित केंद्रीय मंत्री रह चुके डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह का पलामू के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे शिक्षा की बात की जाए या फिर चिकित्सा, सड़क, संचार, उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में संरचना की बुनियाद डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह ने रखी। पलामू से दूर रहने के बाद भी लगातार पलामू के विकास में भागीदारी सुनिश्चित भी की। अभिनंदन समारोह में पलामू के सभी दलों, संगठन के लोग शामिल थे। शहीद ए आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के याद में शहादत समारोह समिति व युवा जागृति केंद्र द्वारा पलामू क्लब में पेंटिंग व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न स्कूलों से चयनित सैकड़ों छात्र प्रतियोगिता में हुए शामिल। शहादत दिवस को लेकर शहादत समारोह समिति द्वारा 19 मार्च से 24 मार्च तक जिले में कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। सभी प्रखंड में पंजाब से आए कलाकार नाटक के माध्यम से लोगों को शहादत दिवस की जागरूकता फैलाएंगे। 23 मार्च को शिवाजी मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम सूफी गायन व 24 मार्च को कवि सम्मेलन का आयोजन भी कराया जाएगा। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के याद में शहादत दिवस समारोह समिति की तरफ से आज युवा जागृति केंद्र के सहयोग से भाषण प्रतियोगिता एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आज इस कैंपस में सभी वर्ग के छात्र छात्राएं जुटे हुए हैं और हमारे अभिभावकगण इसमें सहयोग कर रहे हैं, और इस बार हम सभी युवा साथी मिलकर आप सभी तमाम पलामू वासियों को ये निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें और 23 मार्च के इस महा कार्यक्रम को सफल बनाएं। शहीद भगत सिंह समारोह समिति के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें आज पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और भाषण प्रतियोगिता का, जिसमें जूनियर और सीनियर बच्चों ने भाग लिया है। और इस समिति के तत्वावधान में आज 19 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक पूरे कार्यक्रम पूरे पलामू ज़िले में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 20 तारीख को हमारे पंजाब से जो टीम आ रही है वो जाकर के विभिन्न क्षेत्रों में, पलामू ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। नावाटोली रांची टेंट हाउस के समीप प्रेमसंस मोटर उद्योग का लगा महा एक्सचेंज मेला। प्रेमसंस मोटर के सेल्स एग्जीक्यूटिव अमर गुप्ता ने बताया कि कार हर घर की जरूरत होती है और प्रेमसंस मोटर उद्योग की ओर से ग्राहकों को कम लागत में कार उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं जितेंद्र तिवारी ने बताया कि महा एक्सचेंज मेला में ग्राहकों को 25,000 से 35,000 तक की छूट दी जा रही है, साथ ही सुनिश्चित उपहार भी दिया जाएगा। महा एक्सचेंज मेला लगाया गया है प्रेमसंस मोटर उद्योग के द्वारा, जिसमें कि हम सभी गाड़ियों, पुरानी जो गाड़ी होती है उसको एक्सचेंज बोनस के साथ एक्सचेंज करते हैं और उसके जगह पे हम लोग नई गाड़ी फिनांस अवेलेबल है हमारे पास, कस्टमर को ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं हर जगह उनके ही मोहल्ले में जाकर। अभी ये हम लोगों ने नावाटोली रोड में लगाया हुआ है और इसमें विशेष उपहार कस्टमर्स के लिए दिए जा रहे हैं।
यहाँ पे होता क्या है, पुरानी गाड़ियों को हम लोग एक्सचेंज करके नई गाड़ियाँ देते हैं उनको आकर्षक उपहार के साथ। मेरा कहने का मतलब है गाड़ी का एक एक्सटेंडेड रेट लगता है, उसमें एक आपका एक्सचेंज ऑफ़र मिलता है, दोनों ऑफ़र को ऐड करके ठीक है हम लोग देते हैं। हम लोग 40,000 रुपये तक एक्सचेंज बोनस देते हैं। ऐसी कोई भी मतलब कार सेगमेंट में कोई भी कंपनी ने जो इतना आकर्षक बोनस देती है किसी भी मतलब पुरानी गाड़ियों पे, तो बहुत अच्छा मौका होता है कस्टमर्स के लिए। उनको बहुत ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको शोरूम के बारे में पता नहीं है कि कहाँ पे मारुति का शोरूम है, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे लगाते हैं। हॉस्पिटल चौक के समीप लॉटरी का खेल चलाने वाले सट्टेबाजों को खदेड़ा गया। DSP प्रेमनाथ चौबे के नेतृत्व में पुलिस बल के जवानों ने लॉटरी खेल रहे व खेल कराने वाले लोगों को खदेड़ा। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि हॉस्पिटल चौक के समीप लॉटरी का खेल चल रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए सट्टेबाजों को खदेड़ा गया। पलामू जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल के कैदी वार्ड से दोहरे हत्याकांड का आरोपी परवेज आलम सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही का फायदा उठाकर भागने में सफल हुआ। जानकारी के अनुसार घटना तड़के सुबह सामने आई। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 बजे के लगभग परवेज चकमा देकर भागने में सफल हुआ। करीब 2 माह से परवेज कैदी वार्ड में भर्ती था और हथियार सप्लायर के रूप में जाना जाता है। इसके पूर्व में भी वह हथियार सप्लाई के आरोप में मेदिनीनगर केंद्रीय कारागृह में बंद रह चुका है। अपराध की दुनिया सहित सफ़ेद पोशों में गहरी बड़ी पैठ मानी जाती है। सदर प्रखंड के पुखराहा में भरदुल व अनवर की हत्या में ये जेल गया था। 45 वर्षीय फरार कैदी परवेज के कैदी वार्ड में रहने के विषय में भले ही जेल प्रशासन कुछ भी कहने से कतरा रही है, मगर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर और जेल प्रशासन पर सवाल उठना तय है। और इस घटना से पलामू जिला मुख्यालय में स्थित केंद्रीय कारागृह और कैदियों से जुड़े कई बड़े खुलासे होने तय हैं। बड़ी बीमारी होने पर चिकित्सक के लिखे जाने पर ही कैदी वार्ड में रखा जाता है। इसकी सुरक्षा में चाक चौबंद व्यवस्था होती है, जिसकी लापरवाही और कैदियों को लेकर बनी व्यवस्था पर शक की उंगली उठ चुकी है। हालांकि पलामू SP इंद्रजीत महथा ने कैदी वार्ड में तैनात 1 पुलिसकर्मी सहित 4 SAP के जवान को निलंबित कर दिया है, साथ ही उन पर षड्यंत्र के तहत भगाने का भी आरोप लगाते हुए IPC की धारा 224 व 120 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। एक कैदी था जो कि हॉस्पिटल के कैदी वार्ड में जो है जेल अथॉरिटी के द्वारा भेजा गया था, तो वो उसका जो है कल रात में वो फरार हो गया। तो इसमें जो है हम लोगों ने एक FIR भी दर्ज कर लिया है IPC की धारा 224 और आपराधिक षड्यंत्र की धारा 120 IPC के तहत। पुलिस वालों का इसमें जो भी लोग थे सुरक्षाकर्मी थे, जो सैप होती है रिटायर्ड आर्मी पर्सन होते हैं, वो लोग तैनात थे, प्लस एक पुलिसकर्मी भी था, उन लोगों के लिए विरुद्ध सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही है, विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अलावा हम लोग जो FIR दर्ज किए हैं उसमें भी देखेंगे कि इन लोगों की अगर संलिप्तता रहती है तो आपराधिक कार्रवाई भी करेंगे। भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों ने स्थानीय जिला कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में पार्टी में महिला मोर्चा के कई पदों पर नवाजे गए सदस्यों को सम्मानित किया गया। पार्टी द्वारा महिला मोर्चा में महिलाओं को पद देने की सराहना करते हुए मीना गुप्ता ने बताया कि महिलाओं को जो जिम्मेवारी दी गई है उसे पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाएंगी। गांव-गांव जाकर लोगों को महिलाएं जागरूक करेंगी, साथ ही सरकारी योजनाओं का भी लाभ दिलाने का प्रयास करेंगी। पलामू के महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री बनी है, कार्य समिति सदस्य बनी है और विशेष आमंत्री सदस्य बनी है। मेरी महिला 3 हो और नीलांबर पीताम्बर सह सदस्य बनी है और मेरी महिला अभिषुत्री जिला कार्य समिति सदस्य भी बनी है
और जिला परिषद भी बनी है। हम लोग का महिला को बहुत मनोबल बढ़ा है कि इस पद को जिम्मेवारी मिला है। हम लोग महिला आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और जितना जो योजना आ रही है सरकार की तरफ से धरातल पर उतर कर महिला को हम लोग बताएंगे और उन लोग का लाभ दिलाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता कर रघुवर सरकार की कड़ी शब्दों में निंदा की। यूपी चुनाव में भाजपा पर ईवीएम मशीनों में धांधली करने का आरोप लगाते हुए बताया कि आगामी 11 अप्रैल 2017 को बहुजन समाज पार्टी राज्यपाल महोदया के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन कर काला दिवस मनाकर आंदोलन की शुरुआत करेगी और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक प्रत्येक 11 तारीख को आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के स्थानीय नीति नियोजन के भी कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए वर्तमान सरकार को गरीब विरोधी सरकार भी बताया। पांच राज्यों में जो असेंबली का चुनाव हुआ है उसमें खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मैनेज करके जिस तरीके से प्रचंडतम बहुमत प्राप्त किया है, हम झारखंड प्रदेश बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ईवीएम मशीनों की जांच की मांग करते हैं और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि अब से जो भी चुनाव हो वो सारे के सारे चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होने चाहिए ताकि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी का जो सगल भारतीय जनता पार्टी को लग गई है उस पर रोक लग सके। आने वाले 11 अप्रैल 2017 को झारखंड प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदया के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन की शुरुआत हम लोग उस दिन से कर रहे हैं। ब्लैक डे हम लोग मनाएंगे। मनातू प्रखंड के पदमा बीआरसी में जिला शिक्षा अधीक्षक अरविंद कुमार ने शिक्षकों के साथ बैठक की। बैठक में शिक्षकों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने सहित सरकारी राशि का सही उपयोग करने, अधूरे शौचालय को पूरा करने, विद्यालय परिसर में साफ सफाई का ध्यान रखते हुए विद्यालय विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मौके पर मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि शिक्षकों को पठन पाठन में यदि कोई परेशानी होती है तो वे बेहिचक पंचायत प्रतिनिधि को सूचित करें। पंचायत के माध्यम से शिक्षकों को हर संभव मदद किया जाएगा। मौके पर पद्मा पंचायत के मुखिया प्रमिला देवी, रामचंद्र उराव सहित मनातू प्रखंड के शिक्षक मौजूद थे। उसकी जवाबदेह वो स्वयं होंगे कि कौन सी अनुशासनी कार्रवाई या प्रशासनिक कार्रवाई। सर, ड्रेस की बात आपने कहे, कब तक लागू होगा शिक्षकों का ड्रेस? ये लागू करना हमारी बाध्यता नहीं लेकिन हमारी उनसे अनुरोध है अगर वो ड्रेस कोड में रहते हैं तो इससे एक हमारी अलग पहचान बनेगी। आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक मुझे अमित कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।